मुझे परमानेंट सोल्यूशन मिले अब ऐसे में जिस कोर्स के बारे में हम सब शुरू से वेट कर रहे थे वो है कोर्स। ये कोर्स ये सब लोगों को क्यों करना चाहिए? चार दिन में क्या बदलाव आएगा उनके जीवन में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उनको ये चार दिन का आयुर् जागृति कोर्स इसके बारे में बताइए कैसे ओरिजिनेट हुआ क्या बेनिफिट्स है ये कोर्स करने के बहुत सुंदर सो so, जैसे हमने ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेदा बहुत वास्ट है अपने आप में है ना जैसे मैं बोलू मैंने जो भी कुछ साल आयुर्वेदा पढ़ाई की अब मैं ये बोलू मुझे आयुर्वेदा आता है तो बहुत मुश्किल बात है मैं ऐसा है ना क्योंकि बहुत गहरा साइंस है वो है ना तो उसमें से जितना भी क्योंकि अपने आप में बहुत वास्ट साइंस है तो उस वास्ट साइंस को एक कैप्सूल की फॉर्म में डाला है उसको हमने बोला है आयुर्जागृति प्रोग्राम तो आय जागृति प्रोग्राम ऑब्वियसली जितने भी हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं ना तो गुरुदेव की गाइडेंस से और गुरुदेव की ब्लेसिंग से ही वो सब चीजें थ्रू हुए हैं जब है ना धीरे धीरे गुरुदेव को लगा कि अच्छा ठीक है सब प्रैक्टिस भी हो रही है लोग सुदर्शन क्रिया भी प्रैक्टिस कर रहे हैं पर हेल्थ के लेवल पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी भी मिसिंग है और हमको ये चीज पे ज्यादा अटेंशन देना फोकस करना थोड़ा जरूरी है इसीलिए पिछले कुछ सालों से ऐसा होगा कि गुरुदेव बहुत बात कर रहे हैं कि अपना हेल्थ ओरिएंटेड वर्कशॉप बहुत सारी रखी है उन्होंने इसलिए बार बार वो चीजें चीजें रख रहे हैं कि हमको आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा और है ना घर घर आयुर्वेदा पहुंचाना है तो वो हम कैसे पहुंचा पाएंगे और कैसे चीजें रखेंगे जब हमारे पास वो उस तरह से हो कि वो हमको समझ में भी आए आसान भी लगे और डुएबल भी हो है ना अब हमको कुछ बहुत ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हमने सुन ली कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें रख ली जो हमको लगा कि हम तो फॉलो ही नहीं कर पाएंगे तो दो तो चीज़ वहीं पे छूट गई तो आयुर्वेदा की इसकी जो आयुर् जागृति वर्कशॉप की सबसे सुंदर और ब्यूटीफुल बात क्या है ना आ, वैसे है तो मजाक के तौर पर ही पर चार दिन में आप अपने डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको चार दिन में ये चीज का जरूर मालूम होना शुरू हो जाएगा कि आपका क्या बॉडी नेचर है क्या विकृति है और सुबह उठ के आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अच्छा आज मेरे शरीर में ये गड़बड़ी है तो मुझे ये चीज को फॉलो करना चाहिए ये चीज़ को फॉलो ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए ये चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए तो जब हम ये चीजें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बॉडी के लेवल पे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे अपने आसपास की चीजें बहुत इंप्रूव होना चाहिए